व्यवस्था परिवर्तन मंच ने सोमवार को पोंटस सिविल अस्पताल के बाहर हवन किया और दुआ मांगी कि गहरी नींद में सोए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य महकमा जाग जाए और मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा सिविल अस्पताल पोंटा में अच्छी सुविधा उपलब्ध हो। गुरु की नगरी पोंटा साहिब के सिविल अस्पताल के बाहर 8 दिनों से व्यवस्था परिवर्तन मंच द्वारा शांतिपूर्वक धरना दिया हुआ है, जिसमें 20 से अधिक संस्थाएं एकजुट होकर मांग कर रही है कि सिविल अस्पताल में महत्वपूर्ण डॉक्टरों के पद रेडियोलॉजिस्ट और स्टाफ नर्स का पद भी भरा जाए। यहाँ पिछले 4 सालों से अल्ट्रासाउंड मशीन धूल फांक रही है, ऐसे में यहां उपचार कराने को पहुंच रहे 100 पंचायतों के देवतुल्य जनता जनार्दन को महंगे दामों पर प्राइवेट अस्पताल में अपना अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। व्यवस्था परिवर्तन मंच के अध्यक्ष सुनील चौधरी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि 8 दिनों से पोंटस सिविल अस्पताल के बाहर 9 डिग्री टेम्परेचर में युवा धरने पर बैठे है। शासन प्रशासन व सरकार अभी तक नहीं जागी है, ऐसे में माता बहनों व अन्य लोगों की पीड़ा को देखते हुए उन्होंने आज यज्ञ करवाया है ताकि संबंधित विभाग व प्रदेश सरकार की आंखें खुल जाए। आप सब लोग जानते हैं कि पोंटा साहिब व्यवस्था परिवर्तन मंच ने एक छोटी सी मांग जो है प्रशासन से और सरकार से रखी थी। पोंटा साहिब में जो ये अल्ट्रासाउंड मशीन आपने एक बंद कमरे में कैद की हुई है, उसको चलाने के लिए जो रेडियोलॉजिस्ट है उसकी व्यवस्था कीजिए। परंतु आज 8वां दिन है हमारे धरने का, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना ही किसी के कान में जूं रेंग रही है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज हम सब लोगों ने मिलकर जो यहां प्रतिदिन हम देखते हैं किस प्रकार यहां गर्भवती महिलाएं परेशान हो रही है अल्ट्रासाउंड के लिए निजी क्लिनिकों में जा रही है, किस प्रकार बच्चों को यहां से अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा जा रहा है, इस प्रकार है गरीबों को जो है इधर उधर रेफर किया जा रहा है, भेज देते हैं, उन सभी को हम देखते हुए आज हमने एक प्रयास किया है एक और, ताकि ऐसे लोग जो केवल मात्र पहली और 2 तारीख को अपनी तनख्वाह जो है वो बैंकों में देखते हैं और काम करने का उनका मन ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते हैं, ना ही उनको किसी प्रकार का किसी अधिकारी का डर है, ना कोई प्रशासनिक डर है, उन सब लोगों की सद्बुद्धि के लिए, ताकि उन्हें सद्बुद्धि आए, हम भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं, ये देवभूमि है, तो आज हमने आप लोगों के सामने एक महायज्ञ यहाँ कराया है, हमन डाला है ताकि उन सब लोगों का जो दिमाग है वो ठीक हो जाए, उन्हें सद्बुद्धि आए, सभी अपना काम सही तरीके से करें। और जो हम लोग सभी हमारे युवा साथी जो हैं यहाँ ठिठुरती ठंड में 9 डिग्री टेम्परेचर पे इस धरने पर रात को सोने का मजबूर है, ताकि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सम्मान मिल सके, उसके लिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को जो कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए हमने ये हमन आप लोगों के सामने किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अधिकारियों को जो है चिट्ठियां लिखी पत्र लिखे ताकि हमारी बात को सुने और यहाँ जो अल्ट्रासाउंड मशीन है उसको चलाने के लिए कोई ऑपरेटर लगाए टेक्नीशियन लगाए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद हमने अगला प्रयास किया, हमने यमुना नदी जो हमारे क्षेत्र से गुजरती है, बड़ी शांत नदी है, विश्व की महान नदियों में शुमार है, उसके माध्यम से हमने माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा, ये पत्र ही जल के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाए, यमुना नदी हमारी दिल्ली तक जाती है, उससे भी जब हमारी बात नहीं बनी तो आज हम लोग जो है हमें ये यज्ञ करवाना पड़ रहा है, जिससे गिर के जो दिमाग है वो ठीक हो जाए, उसमें सद्बुद्धि आए। और आप लोगों के माध्यम से पूरा देश प्रदेश इस जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, एक धरना हो रहा है, उसको देख रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से ही मांग कर देना चाहता हूँ सरकार से भी प्रशासन से भी कि कोई तो हमारी आवाज़ सुनो, कोई युवाओं की आवाज़ को सुनो, गरीबों का दर्द सुनो, अपने आप को जो सेवक कहने वाले लोग हैं वो भी सुने, आखिर पता तो लगे कि वो सेवा कौन सी करते हैं। जो स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार नहीं है, इसके अलावा मैं भी जानना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से ऐसी कौन सी सेवा है जिसको करके जो है आदमी अपने आप को सेवक कहता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पोंटा साहिब से देवान शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन शिमला सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।